इस विश्व के सबसे बड़े व्यक्ति हैं ब्रह्मा जी शिव जी, और ये दोनों विष्णु के कृष्ण के भक्त हैं, तो फिर और कौन आराध्य हो सकता है? जब ये दोनों ही आराधक हैं, भक्त हैं, तो अब कौन आराध्य हो सकता है? और सारे देवता वास्तव में भगवान विष्णु के भक्त हैं, सेवा करते हैं। तो यह सत्य कलयुग के अलावा अन्य युगों में बहुत ख्यात रहता है। सभी लोग जानते हैं कि भजनीय भगवान विष्णु हैं, कृष्ण हैं, पर कलयुग में बहुत बहुत भजनीय हो जाते हैं। जत मत तत पंथ, जितना मत है उतना पंथ लोग मान लेते हैं। जो करोगे वही रास्ता ले जाएगा। कितने पागल लोग हैं तो ऐसा कहते हैं, तुम जो भी रास्ता चलोगे वो ले जाएगा, वो एक ही जगह जाएगा। एक ही जगह कैसे जाएगा? किसी को जाना होगा पुरी, और यहां से कटक भद्रक बालेश्वर का रास्ता पकड़ ले और उसको कहे, हाँ पहुंच ही जाओगे, पहुंच ही जाओगे। एक बार तो ऐसी बात हो रही थी, मैं वृंदावन में कथा कह रहा था, तो मैं कहा कैसे कोई भी रास्ता पकड़े और एक लक्ष्य पर पहुंच सकता है। मैं कह दिया, मान लीजिए किसी को यहां से दिल्ली जाना है वृंदावन से, तो वृंदावन से दिल्ली उत्तर में पड़ता है, तो मैं कहा कि मान लीजिए कोई यहां से आगरा की तरफ जाने लगे, झांसी और उधर ग्वालियर, कहां कहां इधर चला जाए, साउथ इंडिया, समुद्र में धंस जाए, उधर जाए, तो एक भक्त कहता है तो पृथ्वी गोल है, वो घूम करके आ जाएगा। तो कितना बड़ा ब्रेन है देखिए, तो घूम करके पार करके उधर रसिया फसिया सब हिमालय पार करके दिल्ली आ जाएगा। ये कोई बुद्धि है? और कहीं मान लीजिए घूम कर आया भी एम नहीं मिला, दिल्ली के बदले चला गया उधर ईरान के तरफ, थोड़ा भटक गया या इधर चला गया पूरब, तब क्या होगा? और कोई ऐसे चले भी तो यह कोई बुद्धि है? जहां 135 किलोमीटर चल करके वो व्यक्ति आराम से पहुंचेगा हाईवे से, दो ढाई घंटे में दिल्ली पहुंच जाएगा। और है सब, और दूसरा व्यक्ति अब चल ले दक्षिण और घूम घाम करके सोचे कि दिल्ली आ जाऊंगा, तो समुद्र में कहीं मर जाएगा, वो पहुंचेगा नहीं। पहले से ही आचार्यों ने ऋषियों ने सब रास्ता बताया है कि ऐसे भगवान को पाया जा सकता है, ऐसे भगवान को पाया जा सकता है। यह इतिहास गाया जा रहा है आज कि एक दिन बहुत पहले सतयुग में एक स्त्री सुनीति अपने पुत्र को उपदेश कर रही है कि बेटा तुम धन चाहते हो, साम्राज्य चाहते हो, तो सीधे विष्णु की शरण लो। और उदाहरण दे रही है कि इस विश्व के विश्व सृष्टि के सबसे महान पुरुष श्री ब्रह्मा जी भगवान विष्णु की भक्ति किए तब उनको इतना बड़ा पद मिला। लोक में यह बात फैला दी गई है कि जो लोग कृष्ण का भजन करते हैं, विष्णु का भजन करते हैं, तो विष्णु उनको गरीब बना देते हैं। यह देखिए कितना भ्रम है, जबकि विष्णु का भजन करने वाले ब्रह्मा जी सबसे धनी पद पर हैं, और ध्रुव महाराज तो उनसे भी अधिक धनी हो गए। ये प्रसंग आएगा, और मां बता रही है कि अगर धनी होना है तो विष्णु का भजन करो। तो विष्णु का भजन करने से धन तो मिलता ही है, ज्ञान भी मिलता है, शुभ मति मिलती है, और दूसरे देवताओं का भजन करने पर थोड़ा सा धन मिलता है लेकिन बुद्धि खराब हो जाती है। ये श्रीमद् भागवतम में कथा है, एक ब्रिक नाम का एक असुर था, विकास, तो एक बार नारद जी से पूछा, जल्दी जल्दी में था, नारद जी से पूछा कि नारद जी ये बताइए कि ये तीन देवता हैं ब्रह्मा विष्णु और महेश, इनमें से जल्दी कौन प्रसन्न होता है, शीघ्र कौन खुश होता है, हमको खुश करके कुछ प्राप्त करना है। तो नारद जी ने कहा कि भगवान तो प्रसन्न होते हैं बहुत तपस्या के बाद, लेकिन प्रसन्न होने के बाद फिर क्रोध नहीं करते, उनके प्रसन्नता में थोड़ी देरी होती है। भगवान के घर में देर होता है, अंधेर नहीं। देर तो होता है,
लेकिन जब फल मिलता है तो बहुत उत्कृष्ट फल मिलता है। अच्छा, और दो देवता के बारे में बताया गया, ब्रह्मा जी शिव जी जल्दी प्रसन्न होते हैं, उसमें भी आशुतोष शिव जी हैं, बहुत शीघ्र तुष्ट हो जाते हैं। तो उसने पूछा कहाँ रहते हैं, तो उन्होंने बताया केदारनाथ चले जाओ, हिमालय में वहां रहते हैं, वहां भजन करो। तो वहां गया, गुरु पाया नारद जी को, भजन कर रहा था शिव जी का, वहां जाकर के अग्नि जलाया, हवन कुंड, और उसमें अपने शरीर का मांस काट काट करके हवन करने लगा, ओम नमः शिवाय डालने लगा, छुरी से अपने शरीर का मांस काट करके डालने लगा, जिससे कि शिव जी को दया आ जाए कि बेचारा अपना शरीर काट रहा है, तो प्रकट हो जाएंगे, मांगो मांगो क्या चाहिए क्या चाहिए। जब 6 दिन किया ऐसा और शिव जी प्रकट नहीं हुए, तो अपने हाथ से अपनी चोटी पकड़ा केस, और एक तलवार से मस्तक काट करके अर्पण करना चाहे, जब ही वो मस्तक काटने जा रहा था तेवी भगवान प्रकट हो गए, लेकिन पार्वती जी के साथ प्रकट हुए। पार्वती जी के साथ प्रकट हुए, परम सुंदरी हैं पार्वती जी, तो भगवान शिव प्रकट हुए, उन्हें कहा कि अरे बेटा मैं तो केवल जल चढ़ा देने से भी प्रसन्न हो जाता हूँ, क्यों मस्तक काट रहे हो, मांगो मांगो क्या चाहिए क्या चाहिए। ओहो, इतना कष्ट सहन करने का निश्चय कर लिए, मांगो मांगो क्या चाहिए। तो उसने ध्यान से देखा पार्वती जी को, देखिए शिव जी का डिवोटी, वो ध्यान से देखा, तो उसने सोचा कि इस स्त्री को रखना चाहिए, ये तो हमारे योग्य है, लेकिन जब तक ये जीवित रहेगा, ये शिव जब तक जीवित रहेगा तब तक तो मेरी पत्नी बन नहीं सकती है, इसलिए क्या करें। तो उसने शिव जी से कहा कि थोड़ा मुझे सोचने दीजिए। तो सोच करके उसने कहा कि आप मुझे ऐसा वर दीजिए कि जिसके मस्तक पर मैं हाथ रखूं वो मर जाए, भस्म हो जाए, मर जाए। अब तो भगवान शिव अपने वचन के बंधन में थे, उन्होंने कहा ठीक है, और जेव ही उन्होंने कहा तथा अस्तु, तेव ही वह भगवान शिव के मस्तक पर हाथ रखने के लिए दौड़ कर तुरंत जल्दी में ऐसे रखना चाहे, लेकिन भगवान शिव तो चले भाग। वो भागने लगे और पीछे से खदेड़ने लगा, ये देखिए ये भक्त और भगवान की ये दशा। भजन किया था, कोई चित्त शुद्धि नहीं हुई, कुछ भी मन में शुद्धि नहीं हुई, इतना दोष। यदि 6 दिन कोई विष्णु का भजन करके देखे कि कितने पवित्र भाव उसके मन में आ जाता, क्योंकि भगवान निर्गुण है वास्तव में, प्रकृति के गुणों से परे, उनके उनका भजन करने वाले में बहुत गुण आ जाते हैं। तो खदेड़ रहा था, भगवान शिव भाग रहे थे भाग रहे, तो अंत में वे विष्णु की शरण लिए, हे नाथ हमारी रक्षा कीजिए, अब हम क्या करें, अपने ही वचन के बंधन में आ गए। तो भगवान विष्णु एक ब्रह्मचारी के रूप में प्रकट हुए और शिव जी तथा वृक के बीच में, वो जिधर से वो भाग करके आ रहा था उधर जाने लगे, जाने लगे तो उसने देखा एक ब्रह्मचारी को, तो दौड़ता हुआ जा रहा था, बहुत हांफ रहा था, भगवान शिव ने उसे बहुत हैरान किया था, उनको तो कोई थकावट होने वाली थी नहीं, और उसको वे भगा रहे थे, भाग रहे थे भाग रहे थे, यह उनकी एक लीला थी वास्तव में। तो भगवान विष्णु जो ब्रह्मचारी के रूप में थे, उन्होंने कहा वृक्ष से, उसके पिता का नाम शकुनी था, तो उन्होंने कहा हे शकुनी, अरे क्या हो गया क्या हो गया, थोड़ा आराम से रहिए, इतना क्यों भाग रहे हैं, हांफ रहे हैं, अरे क्या हो गया क्या हो गया, मे आई हेल्प यू, मैं कुछ आपकी मदद कर सकता हूं। क्या परेशानी है क्या परेशानी है। तो उसने हांफते हुए और दौड़ते हुए ही कहा, सोचा कि रुकूंगा तो पता नहीं कहां भाग जाएगा। उसने कहा कि ऐसी बात है कि इसने मुझे वर देने को कहा है और इसकी पत्नी बहुत सुंदर है, तो इसलिए मैं इसके मस्तक पर हाथ रख करके इसको मार करके इसकी पत्नी लेना चाहता हूं, ये मेरा पर्पस है और मैं इसके लिए तैयार हूं। तो भगवान हंस करके बोले कि ओ, आप जैसा विद्वान व्यक्ति ऐसे पिशाच की बात पर विश्वास कर लिया, ओ अरे जब से दक्ष प्रजापति ने उसको साप दिया है,
तब से उसकी मति खराब हो गई है। क्या वो दूसरों को वरदान देगा जो स्वयं शमशान में रहता है, अपना कोई ठिकाना ही नहीं, न वस्त्र का, न जूता का, न चश्मा का, कुछ भी नहीं, और वो दूसरे को वर देने चल दिया है। आप भी क्या सोचते हैं, उसके कहने से कोई मर जाएगा? हम तो बिल्कुल विश्वास नहीं करते, न घर बांधा है, न घर बनाया है, न कुछ नहीं किया है, और दूसरों को वर देने लगा, क्यों विश्वास कर गए? तब उसके मन में संशय होगा, लगता है कि हमको बिना मतलब के परेशान किया। तो कहा कि झूठा बोला है क्या? तो भगवान ने कहा, अरे आप अपने मस्तक पर हाथ रखकर क्यों नहीं देख लेते और उसको दंड दीजिए, ये मैं कहूंगा कि जरूर दंड दीजिए उसको, मारिए। इस तरह से आप जैसे निर्दोष लोगों को बहका बहक झूठा बोल करके और इसी तरह हैरान करता रहता है। तो उसकी मति तो भगवान के वचन में खत्म हो गई। उसने तुरंत परीक्षा करने के लिए अपने सिर पर हाथ रखा, तो ही धड़ाम से सिर फट गया, मर गया वहीं पर। तो ये 7 दिन भगवान शिव का भजन करके यह गति प्राप्त हुई, खत्म हो गया। और ये इतिहास भागवत में आया हुआ है, 10वें स्कंद के लगभग अंतिम अध्याय में इसका वर्णन है।